आज हम बताएंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसे करके आप महीने में 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस की खास बात ये है कि यह बिजनेस करने के लिए सरकार आपको 90% तक पैसे देगी, वो भी 35% तक सब्सिडी के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, कितनी लागत है और कितना मुनाफा है, और साथ में बताएंगे कि इस बिजनेस को करने के लिए सरकार जो पैसे देगी वो कैसे लेना है। और हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में ये भी बताएंगे कि कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितना प्रॉफिट होगा। तो चलो शुरू करें इस वीडियो को, मगर दोस्तों शुरू करने से पहले, दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो ये बिजनेस है नोटबुक मेकिंग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि नोटबुक बनाने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है। नोटबुक बनाने के लिए आपको एक पेपर चाहिए होता है और ऊपर एक टाइटल पेज होती है जिस पे कंपनी का ब्रांड नेम लिखा होता है, और पिन जो कॉपी और टाइटल पेज को आपस में जोड़ती है, जिसका रोल मार्केट में मिल जाता है। तो बस इतने ही रॉ मटेरियल की इसमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले गत्ते को पेज के साथ लगा देते हैं और लगाने के बाद उसमें पिन लगाते हैं। पिन लगाकर एक फोल्डिंग मशीन होती है, उसमें फोल्ड किया जाता है ताकि उसका शेप जो है वो स्क्वायर में तैयार हो जाए। आप फोल्डिंग मशीन देखते हैं, उसमें पिन लगाकर फिर फोल्ड किया जाता है, स्क्वायर शेप यहाँ चेंज किया जाता है। जो तीसरी मशीन है वो है कटिंग मशीन। इस मशीन का यूज करके जो अभी तक हमने नोटबुक बनाई है उसको हम कट करते हैं, यानी जो फाइनल नोटबुक बनती है वो इस मशीन का यूज करके ही बनती है। ये फुली ऑटोमेटिक कटिंग मशीन है। कॉपी को अभी तक हमने 2 मशीन में तैयार किया है। पहले हमें स्टिचिंग की है और फिर इसको हमने स्क्वायर में चेंज किया है, और उसके बाद अब हम इस मशीन का यूज़ करके फाइनली ये नोटबुक आपके लिए तैयार करेंगे, जिसको आप मार्केट में सेल करके मनी अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फुली ऑटोमेटिक मशीन में हम नोटबुक को एक शेप में लगा देते हैं और फिर कटिंग करते हैं। इसमें पहले नोटबुक को सेट करते हैं और फिर बाद में हम मशीन को ऑन करते हैं।
इसका जो वेस्ट आगे से निकलता है उसको हम अलग कर देते हैं। तो अब नोटबुक को फिनिशिंग टच मिल गया है। तो फाइनली जो नोटबुक होती है जिसको हम यूज करते हैं वो यहाँ बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अलग अलग नोटबुक तैयार कर चुके हैं और जो फ्रंट में हमने इसको फिनिशिंग देनी है इसी मशीन का यूज करके हम इसको फिनिशिंग भी देते हैं। जैसे ही हम कंट्रोलिंग यूनिट से इसको इनेबल करते हैं तो नोटबुक कट हो जाती है और फाइनली नोटबुक बनकर तैयार हो चुकी है। ये इस मशीन का पूरा फाइनल प्रोडक्ट है, यानी जो हमारी इस वीडियो का मेन मोटिव था कि हम आपको नोटबुक बनाकर दिखाएं, यह नोटबुक बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने आपके लिए नोटबुक तैयार कर दी है। आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी नोटबुक आपके लिए तैयार किए हुए हैं। इनको आप डायरेक्ट मार्केट में जाके परचेज करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने आपको 3 मशीन का प्रोसेस करके दिखाया है। जो 2 मशीन आपको पहले दिखाई थी स्टिचिंग और एज स्केलिंग मशीन, वो 4000 नोटबुक पर डे प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये जो ऑटोमेटिकली पेपर कटिंग मशीन है ये हाई लेवल की है, इसलिए ये 10,000 पर डे प्रोड्यूस करती है। सो आप फाइनली इस मशीन का यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। मान लो अगर आप 1 रुपये मार्जिन भी मानते हैं तो पर डे का आप 4000 नोटबुक बनाते हैं तो आप 4000 रुपये कमा सकते हैं और महीने में 1,00,000 से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसा बिजनेस है जिसकी हमेशा डिमांड रहती है और अगर आप इसको सेल करते हैं तो आपका काफ़ी प्रोडक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।